हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी में सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट द सीजीपीएससी कोच के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है मैं आप लोग को बहुत डिटेल में ये बताने वाला हूं कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन वगैरह का जो मेथड है उसके बारे में हम कैसे आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो वो सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी द सीजीपीएससी कोच के साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी कोचिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग को कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना है, आप लोगों को बस प्रोसीजर फॉलो करना है ताकि मैं आप लोगों को क्लास में ऐड कर सकूं। कोई भी पुराने स्टूडेंट्स जो छूट गए हैं, बाकी ऑलरेडी सभी लोग क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि बात होती है उन स्टूडेंट्स की जो पहली बार सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कई बार से सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी जैसा कि हर साल पॉसिबल होता है, 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आता है और फरवरी में सीजीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 मंथ हमारे पास है, इस 4 मंथ का स्टडी प्लान विद टेस्ट सीरीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टूडेंट्स पहली बार सीजीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जो सीजीपीएससी को समझना चाहते हैं, सीजीपीएससी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, है ना भाई, तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के द सीजीपीएससी कोच ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप जाइएगा वीडियोज में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिलेगा आपको, ऐसे करें तैयारी, है ना भाई, स्ट्रेटजिक फोल्डर मिलेगा, उसमें सीजीपीएससी प्री का सिलेबस क्या है, उसकी तैयारी कैसे करें, सीसेट की तैयारी कैसे करें जो सीजीपीएससी प्री का सेकंड पेपर है, सीजीपीएससी मेंस का कंप्लीट डिवाइड, कंप्लीट सिलेबस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइडेशन एंड मार्क्स डिवाइडेशन, सारा डिटेल आपको उस फोल्डर में मिलेगा। तो पहले उस फोल्डर में जो भी वीडियोस हैं उसको आप पहले देख लें, उसके बाद आप बैक को करके डाउनलोड्स में जाएंगे तो डाउनलोड्स में आपको सीजीपीएससी प्री मेंस का सिलेबस का पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2012, 13, 14, 15 से लेकर 18 तक जो सीजीपीएससी प्री के क्वेश्चंस आए हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसका पीडीएफ आपको यहां पे मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। तो यहां से आपको क्या होगा, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होता है, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन यहां आपको मिलेगी। यहां इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद आप ये सोचिए कि आप सिविल सर्विसेज की तरफ कदम रखना चाहते हैं या नहीं, सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या नहीं, है ना भाई। यदि स्टेट सर्विसेज आपकी प्रायोरिटी में है तो उसके बाद आप अपने स्टडी शुरू करें। स्टडी के लिए आपके कंप्लीट डेडिकेशन के साथ साथ जरूरी होता है एक बहुत अच्छा गाइडलाइन। तो गाइडलाइन के लिए जो भी आसपास इस फील्ड के सीनियर फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें या जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह आपको ज्वाइन करना हो उसको ज्वाइन करें, ठीक है। सपोज दैट द सीजीपीएससी कोच वगैरह को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका हार्डवर्क एंड डेडिकेशन और जो भी टीचर है उसका गाइडलाइन, ठीक है। तो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ टीचर आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए और ये बहुत संभल के सावधानी से चलने वाला रास्ता है। यदि थोड़ी सी भी आप गलती करेंगे या थोड़ा सा भी चूक गए तो फिर से एक साल आपको रुक करके अगले साल प्री के नोटिफिकेशन आने का वेट करना पड़ेगा। समझदारी और सही गाइडलाइन में मूव करेंगे तो एक ही बार में आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा जस्ट लाइक अभी सीजीपीएससी प्रीलिम्स की न्यू बैच जो है मैं 1 अक्टूबर से लॉन्च कर रहा हूँ द सीजीपीएससी कोच में, तो इसी के साथ साथ जितने भी प्री के पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो सभी भी अभी इसी स्ट्रेटजी के साथ अपना स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो ऐप है उसमें जो सीजीपीएससी प्री की कोर्स जो जिसमें आप इंक्लूड हैं, अब उसमें क्या होगा, अभी सीजी वगैरह की क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं तो अब उसमें जीएस की क्लासेस भी अपलोड होने स्टार्ट होंगी। तो आपको क्या करना है, जैसे 1 अक्टूबर से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं तो आप भी 1 अक्टूबर से कॉन्स्टिट्यूशन और सीजी एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे साथ साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है भाई। हम इधर पढ़ाते जाएंगे, आप पढ़ते जाएंगे, प्रिपरेशन करते जाइएगा, आपको पीडीएफ नोट्स पूरा मिलेगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो अब 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अब 11 अक्टूबर को दोनों पोर्शन का हम पहला टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो 1 अक्टूबर से यहां पर आपका 20 अक्टूबर तक कॉन्स्टिट्यूशन और सीजी एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा,
ठीक है। और इस दौरान इन दोनों पोर्शन के 3 टेस्ट ले लिए जाएंगे। ये जो टेस्ट हैं वो आपके स्टडी स्किल्स को परफेक्शन की तरफ ले जाएंगे। आपको इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है और आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चंस जो हैं और सारा नोट्स जो है वो पूरा हिंदी में मिलेगा। ये भी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, टेस्ट पेपर जो है वो पूरे हिंदी में रहेंगे। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे इंडियन हिस्ट्री और सीजी हिस्ट्री की तरफ। तो इसको 20 दिन स्टडी करना है, तो हम पढ़ाते रहेंगे, आपको पढ़ते जाना है ना भाई। फिर इसी तरह से आपके 1 नवंबर, 8 नवंबर और 15 नवंबर को 3 टेस्ट हो जाएंगे। उसमें 50 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का होगा, 50 क्वेश्चन सीजी हिस्ट्री का होगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से 1 अक्टूबर से लेकर के 31 जनवरी तक का पूरा स्टडी प्लान मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है, जिसका कंप्लीट पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो क्लासेस पूरी प्रोवाइड की जाएंगी और जितने भी टेस्ट होंगे तो उस क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करते हुए भी ऐप में वीडियो अपलोड किया जाएगा, ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आप कहां पे गलती कर रहे हैं और क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और क्वेश्चन को समझने का पैटर्न क्या है, अटेम्प्ट लेने का पैटर्न क्या है, है ना भाई। तो ये कंप्लीट स्टडी प्लान है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। और इसी के साथ साथ वो सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी सीजीपीएससी प्रीलिम्स वगैरह के लिए स्टडी कर चुके हैं, जो 2-3 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, जिनका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर क्लासेस वगैरह में एडमिशन लेना जरूरी नहीं है। आप क्या करें, इस स्टडी प्लान के साथ मेरे साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज को फॉलो करें, है ना भाई। मतलब आपके पास जो भी स्टडी आपने पहले कर रखी है, जो भी कंटेंट आपके पास है, उससे आप इस पोर्शन को पूरा प्रिपेयर करें। 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर को टेस्ट दें और उसके बाद अपने मार्क्स असेसमेंट देखें और जो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो रहेंगे, उसको पूरा देखें। उससे आपको समझ में आएगा कि एमसीक्यू उस क्वेश्चन को डील कैसे करना था। तो जितने भी टेस्ट हैं, तो ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्लान भी है। तो जो स्टूडेंट सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो इस तरह से टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जितने भी टेस्ट होंगे उसमें कंपलसरी 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपका सीसेट का होगा, 10 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज का होगा और 10 क्वेश्चन जो है सीजी लैंग्वेज का होगा। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपके 50, जिसमें 50 क्वेश्चन जीएस हुआ, 50 क्वेश्चन सीजी हुआ, 30 क्वेश्चन सीसेट, 10 हिंदी लैंग्वेज और 10 सीजी लैंग्वेज। 150 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में आपको। 3 घंटे की टाइमिंग रहेगी। टोटल मार्क्स इसका 150 × 2 = 300 रहेगा। 1/3 माइनस मार्किंग होगा, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, 1/3 जो है माइनस मार्किंग होगा। और क्वेश्चन पेपर जो है उसका अपलोडिंग टाइम होगा 9 AM, मतलब कि जो भी डेट बताया गया है उस डेट पे सुबह 9 बजे क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। आप उसको डाउनलोड करके, प्रिंट करके या बिना प्रिंट किए मोबाइल फोन से ही आप उसको OMR आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो OMR को आप पहले से प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस OMR में उसको सॉल्व कीजिए। पूरा सॉल्व करने के बाद OMR जो है वो आपको व्हाट्सएप में हमको शेयर करना पड़ेगा, मॉडल आंसर के साथ मैच करके उसका असेसमेंट किया जाएगा और आपको आपके मार्क्स बताए जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, ये पूरा तरीका है। तो यहाँ पर जो सीजीपीएससी प्री मेंस में होता क्या है, स्टडी प्लान क्या है, उसके लिए आप यहाँ पर कहाँ चले जाएं, प्लेलिस्ट और डाउनलोड्स में चले जाएं। यहाँ से पहले पूरा आइडिया लें, डिसाइड करें, उसके बाद जैसे आपको सीजीपीएससी प्रीलियम्स ऑनलाइन वीडियो क्लासेस ज्वाइन करना होगा, पूरा कोर्स ज्वाइन करना है, मतलब कि जो पूरा कोर्स है उसमें ऑनलाइन वीडियो कोर्स में आपको सब्जेक्ट वाइज पूरे वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए द सीजीपीएससी कोच का ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर स्टोर में जाकर के सीजीपीएससी प्री में जाइए, है ना भाई। तो सीजीपीएससी प्री में यहाँ पे आपको फीस डिटेल और एडमिशन प्रोसेस सीजीपीएससी प्री वाले कोर्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट्स खाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स पहले से ही द सीजीपीएससी कोर्स में स्टडी कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो खाली सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप भी द सीजीपीएससी कोच का ऐप डाउनलोड करें और स्टोर में जाएंगे तो आपको मिलेगा प्री टेस्ट सीरीज, है ना भाई। तो प्री टेस्ट सीरीज में जाकर के अपना एडमिशन प्रोसीजर वगैरह फॉलो करें और फिर हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके इन्फॉर्म करें। आ रही बात समझ में? तो ये कंप्लीट स्टडी प्लान है
मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ कि इस स्टडी प्लान के साथ आप बहुत अच्छे से 4 महीने पूरा स्टडी कर लें, पूरा रिविजन कर लें, तो निश्चित तौर पे आपके प्री क्वालिफाई होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है भाई, तो विश यू ऑल द बेस्ट, आगे आप अपनी पढ़ाई जो है शुरू कीजिए, जारी रखिए, और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जो कोरोना वायरस और ये घर पे बैठे रहने की स्थिति में सुसुप्त अवस्था में आ चुके हैं, तो भैया आप लोग बिल्कुल उठ जाओ आप, और जो भी 4 महीने है नोटिफिकेशन आने का वेट हमको नहीं करना है, नोटिफिकेशन हर साल जैसे आता है वैसे आएगा, तो अब इस प्लान के अकॉर्डिंग हमको स्टडी करना स्टार्ट करना है। अरे बस समझ में, हर हाल में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए। Wish you all the best. Thank you very much.